अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोलने का ऐलान कर दिया है। यानी 15 सितंबर को सुबह 6 बजे से इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल जाएंगी। जो लोग सऊदी अरब से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो लोग सऊदी अरब के अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान वाले आ सकते हैं? क्या उनको इसमें जो है इजाज़त दी गई है? देखिए, बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होंगी अब तक, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है। मैं जो है इसमें पूरी जानकारी लेना चाह रहा था, सोच रहा था पहले पूरी जानकारी जो है मैं इसमें कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखिए, वीडियो जो है मेरी थोड़ी सी जो है लंबी हो जाएगी, पर इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी कमेंट करने से पहले पहले जो है आप पूरी वीडियो को देख लें एक बार, उसके बाद जो है आप कमेंट करें। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वाले, अफगानिस्तान वाले क्या इसमें आ सकते हैं, क्या सऊदी गवर्नमेंट ने वाकई में उनको इजाज़त दी है। तो देखिए, वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले खबर आई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है बताया गया है कि सुबह 6 बजे, 15 सितंबर को सुबह 6 बजे जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। और इसमें जो है किन लोगों को जो है इजाज़त दी गई है वो मैं आपको पूरा जो है इसमें दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो खबर आई है, देखिए दूसरे सेक्शन में जो बताया गया है कि अभी जो 15 सितंबर से सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट खोलने का ऐलान किया है, इसमें कुछ मखसूस लोग हैं, कुछ जो है ख़ास लोग हैं, कुछ ख़ास कैटेगरी हैं जिनको इजाज़त दी गई है सऊदी अरब से जाने के लिए और सऊदी अरब के अंदर वापस आने के लिए। और यहाँ पर जो बताया गया है इसमें कि जो 1 जनवरी 2021 को जो है ये पूरी तरीके से खोल दी जाएंगी इंटरनेशनल फ़्लाइट, यानी सभी लोगों को इसमें इजाज़त दी जाएगी सऊदी अरब से जाने के लिए भी और सऊदी अरब के अंदर आने के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पर जो है बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 में जो है सारी जितनी भी यानी कि पाबंदी लगी हैं, सफरी पाबंदी लगी हैं अभी, उन सबको जो है हटा लिया जाएगा। और जिस तरह से लोग पहले सऊदी अरब से लोग छुट्टी जाते थे और अपने मुल्कों से जो है सऊदी अरब के अंदर आते थे, वैसे ही वो लोग नॉर्मली आज आ सकेंगे। पर 1 जनवरी 2021 से पहले, यानी लगभग 30 दिन पहले जो है इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसके बारे में वो ऐलान करेंगे। यानी अभी जो है इसमें भी चांसेस हैं, हो सकता है इसको और बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसके बारे में वो जो है चेक करेंगे, अगर कोरोना वायरस मान लीजिए बढ़ता है क्या सिचुएशन रहेगी। तो ये जो है यानी 2021 से पहले, यानी जनवरी 1, 2021 से पहले जो है लगभग 30 दिन पहले इसके बारे में ऐलान करके बताया जाएगा कि 1 जनवरी 2021 से नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। और देखिए, यहाँ पर जो है इसमें बताया गया है अलाउइंग सम कैटेगरीज ऑफ सिटीजन टू ट्रेवल आउटसाइड द किंगडम एंड रिटर्न टू इट अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंट्रोल एंड रिक्वायरमेंट एंड दे आर। देखिए, यहाँ पर जो है बताया गया है कि कुछ जो है ख़ास कैटेगरी हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिनको सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए भी इजाज़त दी गई है और सऊदी अरब के अंदर आने के लिए भी इजाज़त दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को इजाज़त मिली है, देखिए इसमें पहले वाले में जो है ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉय हैं, यानी जो सरकारी लोग हैं सऊदी अरब के, जो काम करते हैं बाहर या काम के सिलसिले में जो है वो बाहर उनका जाना होता है, या सिविलियन हैं या वो मिलिट्री में काम करते हैं, अस्करी हैं, तो वो सऊदी अरब से जा भी सकते हैं 15 सितंबर के बाद और सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं। और इसके अलावा जो देखिए बी में जो है बताया गया है कि जो लोग सऊदी डिप्लोमेटिक वर्कर हैं या काउंसलर हैं, जो एम्बेसी में काम करते हैं या कुछ और ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें वो काम करते हैं, तो वो जो है अपनी फैमिली के साथ वो जा भी सकते हैं, या जो उनके साथ में काम करने वाले हैं वो भी जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं 15 सितंबर के बाद। और सी में जो है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग यानी परमानेंट जॉब है जिन लोगों की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों या नॉन प्रॉफिट जो काम होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें काम करते हों, या कोई जो है ख़ास उनकी जो है जॉब हो, ऐसी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, यानी कि वो सऊदी हों या गैर मुल्की हों, वो कुछ ख़ास कैटेगरी जो है इसमें बताई गई हैं जिनकी परमानेंट जॉब है, यानी पब्लिक में काम करते हैं, प्राइवेट जो है सेक्टर में काम करते हैं, या कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यानी जो प्रोफेशनल लोग हैं, उन लोगों को जो है इसमें इजाज़त दी गई है, वो लोग सऊदी अरब से जा भी सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं 15 सितंबर से। और देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद जो है बताया गया है डी में, और देखिए इसमें बताया गया है कि जो बिजनेसमैन हैं, जो मार्केटिंग सेल्स मैनेजर हैं और उनको जो है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना होता है विदेशों में, उन लोगों को भी जो है छूट दी गई है, वो लोग भी सऊदी अरब से जा सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर वापस भी आ सकते हैं। और देखिए ई में जो है बताया गया है कि वो पेशेंट जिनका जो है ट्रीटमेंट सऊदी अरब के अंदर नहीं हो रहा है, उनको सफ़र करना पड़ेगा सऊदी अरब से बाहर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए,
तो उन लोगों को भी जो है इसमें छूट दी गई है, वो लोग भी सऊदी अरब से जा भी सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है दूसरे जो है एफ सेक्शन में जो है बताया है कि जो स्कॉलरशिप पे हैं स्टूडेंट हैं, जो यानी कि स्टूडेंट हैं जो बाहर अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप पर हैं, जो है विदेशों में जो है दूसरे विदेशों में जो है पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट भी जो है इसमें जो है जा भी सकते हैं सऊदी अरब से और सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं 15 सितंबर से। और जो है इसमें एक और बताया गया है कि जो यानी कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो लोग भी इस यानी कि जो सफरी पाबंदी थी उससे बरी हैं और 15 सितंबर से जो है वो लोग भी जो है सफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के जो रिलेटिव हैं अगर वो यानी सऊदी अरब से बाहर रहते हैं, अगर किसी की उसमें डेथ हो जाती है, कोई ख़ास जो है आपका रिश्तेदार है, इसमें जो है बताया गया हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स हैं चाइल्ड है जो आउटसाइड द किंगडम है यानी सऊदी अरब से बाहर है, तो ऐसे लोगों को भी जो है सऊदी अरब से जो है वो जा भी सकते हैं और सऊदी अरब वो आ भी सकते हैं। और इसमें जो है और बताया गया है कि वो लोग जो रेसिडेंट हैं यानी कि जो फैमिली के साथ सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे वो, और अभी जो है वो सफरी पाबंदी की वजह से जो है फंस गए, चाहे वो यानी इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, यानी कि यहाँ पे जो जिक्र गया किया गया है वो रेसिडेंट का है, यानी कि जो मुकीम है गैर मुल्की है वो अगर जो है अभी रहते हैं इकामे के साथ में बाहर है वो आउटसाइड द किंगडम है, तो वो लोग भी जो है अगर उनका इकामा वैलिड है तो वो भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं और सऊदी अरब से अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। और देखिए आई सेक्शन में जो है बताया गया है कि जो इंटरनेशनल ऑफिशियल स्पोर्टिंग इवेंट्स है यानी कि कोई प्रोग्राम है स्पोर्ट के हिसाब से, या कोई प्लेयर है या कोई मेंबर है या कोई टेक्निकल मेंबर है, तो उन लोगों को भी इजाज़त दी गई है, वो लोग सऊदी अरब से जा भी सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर आ भी सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि जो गैर मुल्की हैं वो कौन से गैर मुल्की हैं जिनको इजाज़त दी गई है इसमें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो देख भी चुका हूँ उसमें बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यानी सभी लोग अभी आ सकते हैं। पर देखिए एक्चुअली जो न्यूज़ है आपको मैं वो बता देता हूँ, तो वीडियो को जो है आप पूरा देखें और अच्छे से जो है इस बात को आप समझ लें, फिर उसके बाद जो है कमेंट जो भी करनी है आपको कर सकते हैं। देखिए दूसरे सेक्शन में जो है ये बताया गया है जिनमें नॉन सऊदी का जिक्र किया गया है और उनको जो है यहाँ पर इजाज़त मिली है सऊदी अरब के अंदर आने की, तो यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है असल में वो है देखिए अरब स्टेट ऑफ द गल्फ, यानी जो गल्फ कंट्री हैं सऊदी अरब के आसपास की जो जीसीसी कंट्री हैं वहाँ के लोगों को जो है इसमें इजाज़त दी गई है, यानी कि जो सऊदी हैं और नॉन सऊदी हैं, यानी कि वो जो है अभी सऊदी अरब से बाहर हैं, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो, दुबई में हो, जितनी भी ये जीसीसी कंट्री हैं उनमें जो है जो सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की हैं उनके साथ में डोमेस्टिक वर्कर हैं, खदामा हैं या हाउस ड्राइवर हैं, या इसके अलावा भी कोई और जो है उनके साथ में है नॉन सऊदी है, यहाँ पे नॉन सऊदी का जिक्र किया गया है, तो वो लोग जो है सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं और सऊदी अरब से बाहर भी जा सकते हैं। उसके लिए जो है उन्होंने कुछ बताया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, 48 घंटे पहले जो है उन्होंने बताया यहाँ पर, यानी आने से पहले 48 घंटे पहले जो है पीसीआर रिपोर्ट करानी पड़ेगी, कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट जो है करानी पड़ेगी। और मैंने जो है पूरी वीडियो बना करके इसके बारे में बताया था कि जो भी अभी जो है सऊदी अरब के अंदर आएंगे उनको जो रूल्स रेगुलेशन कुछ 7 कंडीशन बताई हैं सऊदी अरब ने, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पूरी खबर है वो ये है कि जो अरब स्टेट ऑफ द गल्फ है यानी जो गल्फ कंट्री हैं, एज वेल एज अलाउिंग एंट्री टू नॉन सऊदी हु हैव वीजाज, यानी कि जो गैर मुल्की हैं पर वो गल्फ में हैं, यानी कि जो जीसीसी मुल्क हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा में हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो उनके पास, या वो डोमेस्टिक वर्कर हो, खदामा हो, या हाउस ड्राइवर हो, या और कोई वर्कर हो, यानी जो सऊदी के साथ में मौजूद है, तो उन लोगों को इसमें इजाज़त दी गई है, वो लोग आ सकते हैं सऊदी अरब के अंदर और सऊदी अरब से वो बाहर भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जिक्र नहीं किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान से लोग आ सकते हैं, यहाँ पर जो जिक्र किया गया है सिर्फ और सिर्फ जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ से लोग आ सकते हैं, चाहे वो सऊदी हो या गैर मुल्की हो। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि ये जो सस्पेंशन जो हटाई गई है यानी जो सफरी पाबंदी जो है हटाई गई है ये टम्परेरी है ना कि परमानेंट है, ये 15 सितंबर से जो हटाई है ये टम्परेरी है, और अगर उनको लगेगा कि ठीक जो है सही है अभी चल रहा है सफर जो है जारी रखा जा सकता है तो वो इसको जारी रखेंगे, नहीं तो इसको बंद भी किया जा सकता है। और चौथे वाले में ये बताया गया है कि आप लोग जो है जिस कंट्री का भी सफर करोगे सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब ने इन खास जो कैटेगरीज के लोग हैं उन लोगों को इजाज़त दे दी है, और ये लोग जो है अगर सफर करते हैं किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए पांचवें सेक्शन में जो है ये बताया गया है कि उन्होंने सऊदी अरब के लिए तो ये खोल दिया है, और उन कंट्रियों के लिए जिन कंट्रियों में अभी सफरी पाबंदी हटाई गई है
यानी कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी जो है सफरी पाबंदी बरकरार है, बहुत सारी कंट्री हैं। तो ये जो इन्होंने सफरी पाबंदी हटाई है, यानी सऊदी अरब ने जो ये ऐलान किया है 15 सितंबर को हटाने के लिए, यानी कि जा सकते हैं, तो उन्हीं मुल्कों में जा सकते हैं जो लोग जाएंगे यहाँ से सऊदी अरब से, जिन मुल्कों में अभी जाने की इजाज़त है। पर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी यानी कि बंद कर रखे हैं अपनी, यानी फ्लाइट नहीं जा रही है वहाँ पे, तो यानी कि इस सफरी पाबंदी हटने का कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि यहाँ से वो जा ही नहीं सकते। तो देखिए छठे वाले में वो बताया है जो मैंने आपको पहले बताया कि सुबह 6 बजे से जो है 15 सितंबर को जो है यानी सफरी पाबंदी ख़त्म हो रही है, और कुछ मखसूस लोगों को, कुछ जो कैटेगरीज हैं उन लोगों को जो है इसमें इजाज़त दी जा रही है, वो तो वो लोग जो है सऊदी अरब से जा भी सकते हैं और सऊदी अरब आ भी सकते हैं। और देखिए ये जो थर्ड वाले में बताया गया है, इसमें ये बताया है कि जो सऊदी अरब की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें जो है इस पर ध्यान रखेंगी कि इसमें जो है कुछ और नई चीज़ ऐड करनी है, या जो कंडीशन बताई गई हैं ये ठीक हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सफ़र जो है जारी रखा जाएगा, नहीं तो इसको ये कैंसिल भी कर सकते हैं। और देखिए फोर्थ वाले में जो है बताया है कि बहुत जल्दी जो है उमरा खोलने के बारे में भी ऐलान कर दिया जाएगा, अनाउंस ग्रेजुअली बेस्ड ऑन व्हाट विल बी डिसाइडेड, यानी कि जो भी डिसाइड होगा उमरा खोलने के बारे में भी जो है बहुत जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। तो उमरे के बारे में भी ये लोग बताएंगे कि किस तरह से करना, हो सकता है ऑनलाइन पहले कोई फॉर्म भरना पड़े या इजाज़त लेनी पड़े, या हो सकता है कुछ सिटी वाइज ये कराएं कि आज मक्का वाले जो है, आज जद्दा वाले करेंगे जो है, फिर रियाद वाले करेंगे, यानी एक एक दिन रखा जाए। तो ये इसके बारे में जो है पूरी जानकारी आएगी, फिर वीडियो बना करके हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और इसमें कहीं भी जो है जिक्र नहीं आया है इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, नेपाल का फ्लाइट खोलने के हवाले से, यानी कि वहाँ के लोग आ सकते हैं अभी, यानी सऊदी जो शहरी हैं उनके लिए भी अभी फ्लाइट नहीं खुली है। सऊदी शहरी भी जो यानी खास कैटेगरी के लोग हैं वो मैंने आपको बता दिया है, उन लोगों को जो है इजाज़त मिली है सऊदी अरब से जाने के लिए और सऊदी अरब के अंदर आने के लिए, यानी सभी यानी जो पूरे सऊदी हैं उनको भी इजाज़त नहीं मिली है इसमें। तो अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान जो मुल्क हैं अभी उनके बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। जो अजनबियों के बारे में जिक्र है वो अजनबी हैं, यानी जो जिस जिस कंट्री में मौजूद हैं, यानी गल्फ ममालिक में जो है मौजूद हैं सऊदी शहरियों के साथ में, यानी कि वो डोमेस्टिक वर्कर हों, चाहे वो खदामा हों या ड्राइवर हों या वर्क वीज़ा वाले हों या कोई से भी वीज़ा वाले हों, यानी जो गल्फ मुल्क हैं उनमें वो मौजूद हैं, तो जो उनके जो सऊदी शहरी हैं वो उनको जो है ला भी सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, वो आ सकते हैं गैर मुल्की और यहाँ से वो जा भी सकते हैं गल्फ मुल्कों के अंदर। पर अभी जो है इसमें इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल के लिए कोई भी जिक्र नहीं आया है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।